नमस्कार, ऐसे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आरसी विवेक जी हैं, जो काशीराम साहब को और बाबा साहब की बातों को घर घर तक पहुंचाते हैं। विवेक जी, आपकी बहुत सारे लिटरेचर, बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते रहते हैं, उस पर लिखा रहता है संविधान का अपमान भारत का अपमान है। ये क्या है संविधान का अपमान भारत का अपमान है, वो बताएं। ये 8 अगस्त को दिल्ली के अंदर यहीं पर पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास संविधान को कुछ देशद्रोही लोगों ने जलाया था और बाबा साहब को गाली दी थी। उन्होंने कहा कि अब रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए, मनुष्य मिट्टी आना चाहिए और हम बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है हम इनको भी नहीं मानते। तो इस प्रकार से वो मनुष्य मिट्टी लाने के लिए वो नहीं चाहते कि संविधान लागू है, क्योंकि संविधान में सबके लिए बराबरी का दर्जा दिया है, जिसमें छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सबको बराबर का अधिकार देने की वजह से कुछ लोगों को, ऐसे लोग जो मनवादी व्यवस्था से ग्रसित हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसा संविधान इस देश के अंदर लागू हो। जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त भी कुछ लोगों ने कहा कि हम संविधान को नहीं मानते, हम संविधान के झंडे को नहीं मानते और संविधान में जो भी लिखी हुई चीज़ों को नहीं मानते, हम पुरानी परंपराओं के मुताबिक जो मनुष्य ने लिखा है हम उसके मुताबिक ही चलेंगे, ऐसा उनका मानना था। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारा देश जो स्वतंत्रता से जो गुजर रहा है वो स्वतंत्र नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि जिस दिन सांप्रदायिकता अगर संविधान से ऊपर आ जाती है तो ये देश का संविधान खत्म हो जाएगा, तो देश की स्वतंत्रता भी खत्म हो जाएगी। तो उस टाइम ये देश खतरे के लाइन में आ जाएगा, फिर इसको कोई बचा नहीं। इसलिए इसको बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि हर इंसान को इसको बचाने के लिए अगर जान ली जाती है तो जान जाए, लेकिन संविधान को बचाए। और संविधान जब तक जिंदा है तब तक मैं भी जिंदा हूँ, संविधान जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन मैं भी मर जाऊँगा, ये बाबा साहब का कहना। आप थे आरसी विवेक, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि संविधान को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर संविधान रहेगा तो भारत देश रहेगा और संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है।